नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। आज 26 जुलाई है और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार में आज कोरोना के 2605 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38,919 हो गया है। पटना में भी बुरा हाल है, आज फिर से पटना में 620 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बिहार में अब तक कोरोना से 232 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से 10 लाख की आबादी प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ संबंधित आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 10 जिला बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया जिले के 77 प्रखंड शामिल हैं। बाढ़ के कहर के बीच बिहार की सियासत तेज हो गई है। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर बाढ़ राहत कार्य के नाम पर सिर्फ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। वहीं JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करने से बाज आने की नसीहत दी है। पटना के बांसघाट पर कोरोना संक्रमित मरीजों के जलाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। लोगों का कहना है कि पैसा बचाने के लिए नजदीक में ही घाट पर सबका दाह संस्कार किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। छिन सकती है पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू की कुर्सी। 75 वार्ड पार्षदों में से 41 वार्ड पार्षद ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जिससे मेयर गुट की मुश्किलें बढ़ गई है। दरभंगा के SSP बाबूराम को फिर से कोरोना हुआ है। 2 महीने पहले भी ये कोरोना से संक्रमित हुए थे। SSP ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है, घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। बेतिया के सहोदरा थाना क्षेत्र के दोन कैनाल पर एक 14 वर्षीय लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। मौके पर पहुंची सहोदरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना संकट को लेकर दरभंगा के MP गोपाल जी ठाकुर ने DMCH का दौरा किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अस्पताल अधीक्षक RR प्रसाद के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली। सुपौल में BMP 12वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। यहां के 22 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बटालियन हेडक्वार्टर सहित आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। जमुई में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं किसान धान की रोपाई में जुट गए हैं। जमुई में 24 घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। अगर आप हमारे इस न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।